वो माय गॉड 2550 रुपए का कॉटन घी दोस्त अभी भी 510 रुपए 520 रुपए सेल अभी कर रहे हैं भाई। 2750 रुपए का ऑयल भी सेल करेंगे कि लोगों को रिटेलर्स जो है वो ऑयल बहुत ही गंदे रेट पे दे रहा है, मगर हम अभी जहाँ पे खड़े हुए वहाँ पे रेट्स हैं चीप, आप इजीली स्टॉक कर सकते हैं और इजीली अच्छे रेट पे सारे ऑयल्स ले सकते हैं। और एक पुराने रेट पे परचेजिंग कर रहे हैं, पुराने रेटों पे माल पड़ा हुआ है तो पुराने रेटों पे परचेजिंग इस वक्त सेल परचेजिंग चल रही है, फायदा है ना, तो फिर क्यों अवेल नहीं कर रहे हो, क्यों इधर उधर रिटेलर्स के पास अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो यार। जबरदस्त है नो डाउट, ये प्योर लग रहा है। अब इसको अभी भी 480 470 रुपए में सेल कर रहे हैं यार, क्या जबरदस्त बात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। तो जनाब ऑयल पे मची हुई है मारा मारी और मैं वाटर पंप पे अभी मौजूद हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा फिर यही है क्योंकि ऑयल्स की वीडियो मेरे पास आ रही हैं और मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई ऑयल्स कहाँ होल सेल मिल रही है, कहाँ पर चीप रेट मिल रहा है। तो हम अभी मौजूद हैं कहाँ पर, नूर कोलू पे। आजा चलते हैं अंदर देखते हैं कि भैया ऑयल पे ऐसी क्या चीज़ लगी हुई, क्योंकि मसले मसाले इतने बेहद ख़राब हैं कि लोगों को रिटेलर्स जो है वो ऑयल बहुत ही गंदे रेट पे दे रहा है, मगर हम अभी जहाँ पे खड़े हुए वहाँ पे रेट्स हैं चीप। तो वक्त निकल जाए, चीज़ें महंगी हो जाए, रमज़ान आ रहे हैं, तो आप इजीली स्टॉक कर सकते हैं और इजीली अच्छे रेट पे सारे ऑयल्स ले सकते हैं। और एक और बात बता दूं आपको कि अगर बालों का मसला या किसी चीज़ का भी मसला, यहाँ पे इनके पास बहुत सारे तेल हैं, आ जाए हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और इससे लोगों का फ़ायदा हो जनाब। तो आ जाएँ, वीडियो को वॉच करें और ऑयल सस्ते ले जाएँ जनाब, आ जाएँ। पुराने रेट पे परचेजिंग कर रहे हैं, पुराने रेटों पे माल पड़ा हुआ है तो पुराने रेटों पे परचेजिंग इस वक्त सेल परचेजिंग चल रही है, चल रही है। नया रेट कब आएगा, क्या है, कुछ पता नहीं है, नहीं मालूम कल क्या हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं, देखिए वीडियो इस टाइम पे शूट हो रही है मगर ये नहीं पता होता कि रेट कब हो जाए, मगर ये है कि मैक्सिमम आपको फिर भी डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिटेलर कुछ दे रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सस्ता मिलेगा। अभी जो रेट चल रहे हैं वो बता रहे हैं, मगर भाई ये रेट तब्दील होते हैं, ये फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि पीछे आपको पता है रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो परचेजिंग में अप एंड डाउन हो रहा है क्योंकि डॉलर्स की वजह से। तो सर आप बता सकते हैं कि डालडा वगैरह या जैसे मैं, अच्छा ये कौन सा, ये कोई ये जैन जैन वनस्पति है, ये क्या है, क्लिक करो फोकस के लिए क्लिक करो। अच्छा ये जैन वनस्पति है, ये मैं दिखा दूं सर, ये कितने का है। जैन वनस्पति की जो इस वक्त कीमत है वो है 440 रुपए। 440 रुपए मुनासिब है, लोग यूज कर सकते हैं 100%। इसमें ऑयल भी आता है क्या? इसमें ऑयल्स भी आते हैं, अच्छी क्वालिटी भी, और ऊपर से ऊपर चीजें दिखाना है यहाँ पे। ये है अच्छी क्वालिटी पे आप देख सकते हैं भाई, ये देखें आप कायनात ऑयल देख सकते हैं कि ये एक बेस्ट क्वालिटी है, ये 1 लीटर की है। तो बॉस ये किस प्राइस में मिल जाएगा ताकि लोग कंपनी की बात करें तो 2700 रुपए का कार्टन है, हम 2650 रुपए में परचेस सेल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेट भी होने की वजह से। 2650 रुपए का कार्टन मिलेगा। अच्छा हमारे पास कुछ मशहूर जैसे ये पड़े हुए, ये हबीब ये काफी मशहूर ब्रांड है जी। तो अभी आप बताएं ये कितने का, 1 kg घी है ये? तो 510-520 रुपए इसको हम सेल कर रहे हैं दोस्त, अभी भी 510 रुपए 520 रुपए सेल अभी कर रहे हैं, कल का नहीं पता होता। इसके ऊपर 529 रुपए की रिटेल। अच्छा मैं एक चीज ये आपको दिखा दूं, ये आप क्लियर हो गया, ये मैं आपको दिखा दूं, रेट देखो 529 लिखे हुए, 510 रुपए का भाई दे रहे हैं। तो यार फायदा है ना, तो फिर क्यों अवेल नहीं कर रहे हो, क्यों इधर उधर रिटेलर्स के पास अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो कार्टन पे क्या पड़ जाता है सर? इसी तरह से काफी मुख्तलिफ चीज़ें, 510 रुपए, 510 के हिसाब से 2550 रुपए कार्टन। वो माय गॉड 2550 रुपए का कार्टन घी भाई, 2750 रुपए का ऑयल भी सेल करेंगे। जो और जितने भी ब्रांड है या हबीब वगैरह के ऑयल आगे अभी खत्म हो गया माल, मगर आ जाएगा, मौजूद रहेगा। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल की ना बहुत बड़ी रेंज लगी हुई है। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आया ये सोया सुप्रीम वगैरह ईवा कितने का है, ये आप देख सकते हो कि कार्टन वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। ये बता सकते हो आप ये सुप्रीम ऑयल या ईवा कितने का है? जैसे ये ईवा कितने लीटर है?
सर ये 3 लीटर की बोतल है। 3 लीटर है, ये कितने का पड़ रहा है? 1745 रिटेल लिखी हुई है, इसको हम 17 में सेल कर रहे हैं। देखो ये मैं आपको दिखा दूं, ये रिटेल देख लो 1745 की, आप कितने का बेच रहे हो? 1700 जी। 1700 भाई अभी भी बहुत ज्यादा मुनासिब रेट्स में। एक ये बता देगा दो, सोया सुप्रीम सर ये ऑलिफ है, इसके ऊपर रिटेल जितनी लिखी हुई है इससे 50 से 100 रुपए नीचे इंशाल्लाह। अच्छा इसमें रिटेल लिखी हुई 3025, मतलब मैं लगा लूं 2900 रुपए का ये सेल हो जाएगा, तो भाई अच्छा खासा फायदा है। और पीछे कार्टन्स में आप ये चीजें चेक कर लो, इनको हर चीज में मतलब 2750 रुपए अभी भी कार्टन अवेलेबल हो जाएगा। बाहर देखें ये एक मशीन लगी हुई है, इन्होंने कोलू की मशीन कहलाती है, ये वाकई निकलता तेल इसमें से? अच्छा तो भाई ये इनकी खुद की मैन्युफैक्चर है। और यार जबरदस्त है, नो डाउट ये प्योर लग रहा है बहुत सी। क्या हिसाब है इसकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट है। ये जो है कालोर पे मिक्स डन है, ये 800 से 850 रुपए, मतलब इसमें भी कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है ना, इसमें कालोर पीला मिक्स डन अफोर्डेबल कर सके, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। सरसों को अगर अच्छा सरसों पूछो तो 1300 रुपए किलो भी है। 1300 रुपए किलो, अच्छा आपके पास मिलेगा वो 100% मिलेगा, 100% के साथ। और अच्छा नॉर्मल घर में पकाना चाहे तो, नॉर्मल घर में पकाना चाहे तो ब्लैक मस्टर्ड मशीन वाला बेहतरीन वो है आपके पास अभी मौजूद है, हम देख सकते हैं। सैंपल दिखा दे हम। अच्छा भाई ये देखे कुकिंग के लिए, ये कुकिंग के लिए सरसों का तेल जबरदस्त सा। ये क्या हिसाब है सर? ये 650 रुपए किलो, 650 रुपए किलो है, ठीक है। मैं आपके पास देख रहा हूँ कि ये हबीब मौजूद है, तलो मौजूद है, और आप कार्टन वगैरह जो है मेरे हिसाब से पर पीस 510 रुपए का अभी दे रहे हैं आप। 510-520 सबके डिफरेंस रेट होते हैं। तो भाई अभी भी घी 510-520 रुपए का मिल जाएगा यहाँ पे, अभी की बात बता रहा हूँ। रेट में फ्लक्चुएशन हो जाती है जब आप लोग आते हैं। कुछ आइटम भी होते हैं जो 480 रुपए में भी सेल कर रहे होते हैं, कुछ आइटम्स भी हैं जो कि 480 रुपए पे सेल करते हैं। तो कुछ ऑयल्स में दिखा दूं कि ये देखिए कायनात ऑयल है, अच्छा ऑयल है, और आप इसको चीप प्राइस में ले सकते हैं। क्या प्राइस पड़ेगा बॉस? इस वक्त जो टैंकर का रेट है 580 रुपए है, उस हिसाब से इसकी कीमत जो है 2700-2750 रुपए होनी चाहिए, लेकिन हम अभी भी जो इसको सेल कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं 520-520 रुपए में सेल हो रहा होता है पर पाउच। अच्छा अगर ये मैं डालडा में लेता हूँ, जैसे आपके पास चीज अगर आप ब्रांड पे चले जाते हो तो वो नाम के पैसे हैं, ब्रांड जो है मिनिमम टू मिनिमम आज मैंने अगर रेट लिए थे तो 2850-2900 रुपए मुझे रेट मिले थे, जिसको मैंने परचेज नहीं करी। तो पर पीस कार्टन क्या मिलता, मतलब 570-580 इस तरीके के रेट थे। तो देखिए इसमें आपको सरताज घी भी मिल जाएगा, ये भी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है। ये कितने का है बॉस? सर इसकी कीमत 460 रुपए है सरताज, ये घी है भाई 460 रुपए का। रेटों में फ्लक्चुएशन होती रहती है। देखिए रेट्स का तो ये पब्लिक को भी पता है कि रेट्स देखें एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और डॉलर्स अप एंड डाउन हो रहा है, तो भाई रॉ मटेरियल जिस तरीके से बढ़ता कम घटता, मगर इतने ज्यादा नहीं होते। इनके पास आने का मकसद ही हमारा ये है कि इनके पास रेट बड़े मुनासिब है। अच्छा आप मास का बता रहे थे, छोटा पाउच भी और बड़ा पाउच भी, ये क्या हिसाब है? अब बड़े पाउच की बात करें, वैसे इस वक्त घी 520-530 से नीचे नहीं है, हम अब इसको अभी भी 480-470 रुपए में सेल कर रहे हैं। यार क्या जबरदस्त बात है कि 480-470 रुपए में ये 1 kg, और आप इसी से बेफिक्र रहिएगा भाई, ठीक है। ये भी कोई कंपनी मटेरियल है, लोकल नहीं है, कोई खुली चीज नहीं है, कि लोगों एज्यूम करते हैं ना कि भाई सस्ता ही मिल रहा है। मेंशन कर दें ये तकवा ऑयल मिल वालों का माल है सर, तकवा ऑयल मिल वालों का माल है, ठीक है, लोकल माल नहीं है। 480 रुपए पर पीस आपको 470-480 रुपए ये मिल जाएगा। अच्छा तो जनाब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि भाई इस महंगाई के दौर में एटलीस्ट कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो कि लोगों का ख्याल करती हैं और बहुत ज्यादा जबरदस्त रेट्स देती हैं यहाँ पे। अच्छा और कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या चीज लोगों को पब्लिक को लेनी चाहिए, वो ब्रांड्स पे जाके लूट लेते हैं? जैसे हमारे पास पीछे ईवा का कार्टन है, कुछ दिखा सकते हैं ईवा के पाउच वगैरह में हमें? मिजान ईवा कहते हैं कि लोगों को ईवा चाहिए, ठीक है, तलो चाहिए, तो मैं उनको ऑयल भी दिखा दे रहा हूँ जो ब्रांड वाले। सर ये 1 लीटर है जी, बिल्कुल। ये क्या हिसाब है ईवा? इसकी जो रिटेल है वो है इस वक्त इसमें लिखी हुई मौजूद 560 में हम लोग सेल कर रहे होते हैं। आप इसको देख सकते हैं 560 पे सेल होगा, 568 रिटेल है इसकी। अच्छा अब हम आ जाते हैं
तलो पे भाई, तलो क्या कहता है, तलो की रिटेल आप देख सकते हो 536 रुपए लिखी हुई है। आप कितने का देते हो? 520 और 530 रुपए में सेल कर रहे होते हैं। 520, 530, 525 इस हिसाब से ये 1 केजी मिल जाएगा। तो कॉटन में कुछ बेनिफिट हो जाएंगे? और कॉटन में अगर अब लेते हैं तो 5 रुपए या 10 रुपए की रियायत हो जाती है। और रियायत हो जाती है। अच्छा, हम आ जाते हैं इस पे, किस पे? शफक कैनोला। शफक कैनोला पे आई भाई, देखते हैं कि भाई शफक कैनोला क्या कहता है। ये कितने प्राइस है इसके? रिटेल कॉटन में लिखी होती है 2750। अच्छा, ये कितने का पड़ेगा लोगों को? दे रहे होते 2600-2650 में सेल कर रहे होते। अच्छा, इसका 2650 रुपए का कॉटन मिल जाएगा इसका। तो ये पर पीस हमें क्या पड़ जाएगा? पर पीस 520-530 पड़ जाएगा। भाई सारे ऑयल्स दिखा रहा हूँ कि लोग कौन यूज करते हैं, सारे वो ऑयल दिखा रहे हैं कि जो आप घरों में यूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं, दिखाने का हमारा सिर्फ मकसद यही था कि कहाँ पे क्या चीजें सस्ती मिलती है। तो भाई वेट नहीं करो, आगे रमजान भी आ रहे हैं, आगे बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि कुछ नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठना है, महंगाई कैसी होनी है। तो आप इजीली आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन, फोन नंबर, सारी चीजें मेंशन कर दूंगा। और मेरे पीछे जो सबसे अच्छी चीज जो है वो ये जो तेल जो है, इनके प्राइजेस वगैरह भी आप पूछ सकते हैं, जो कि हर घर की जरूरत है। आप इजीली यहां से ले सकते हैं। ऑनलाइन भी देते हो बॉस? ऑनलाइन का नहीं है, आगे परचेस करना है। अच्छा, तो भाई ये मार्केट ऐसी है, यहाँ पे गोश्त मिलेगा, मतलब क्या चीज नहीं है, गोश्त, मछली, देसी अंडे, सारी चीजें होलसेल प्राइस में मिलती है। उसकी तरफ भी हम आएंगे और आगे आपको बताएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आप पे बहुत रश लगा हुआ था, मगर भाई बहुत हसमुख हैं और बहुत अच्छे हैं, इन्होंने टाइम दे दिया, यही बड़ी बात है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इन जैसे लोगों के साथ जो कि पब्लिक के साथ अभी भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आप दुकान को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नूर कोलू की दुकान है ऐसे ही, और इजीली आप यहां से आके परचेजिंग कर सकते हैं। सर टाइमिंग क्या है आपकी? सर टाइमिंग 9:30 से लेकर 9:30 बजे तक, संडे वाले दिन जो है 7:30-8 बजे तक बंद हो जाती है। ठीक है, टाइमिंग पता लग गई है भाई। फोन नंबर बता दें सर? 03443004500। जनाब शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मैक्सिमम शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे और आप भी सवाब का जरिया बन जाए। जजाकअल्लाह, थैंक यू। ओके।